ओम शांति। सत्य है बाप, वही सत्य टीचर और सत्य गुरु। अभी ये नशा बैठा है ना अच्छी तरह से कि हम ऐसे बाप और ऐसा सत्य बाप, सत्य टीचर, सत्य गुरु जो है उनके हम बने हैं। उनका फिर कोई बाप टीचर गुरु है ही नहीं। बाकी तो सबका बाप टीचर गुरु है ही। इसीलिए बाप जो बेहद का है उसके ऊपर तो कोई नहीं ना। क्रिएटर का कोई क्रिएटर नहीं, तो हमारा क्रिएटर डायरेक्टर अभी कौन है? वो है जिसके ऊपर कोई क्रिएटर डायरेक्टर बातती नहीं है। तो अब उसे प्रैक्टिकल में अभी संबंध है, बातें नहीं है सिर्फ अभी उसे प्रैक्टिकल रिलेशन संबंध जोड़ा है। और वो भी अभी आए हैं और आकर करके हमारे को अपना रिलेशन प्रैक्टिकल में दे रहा है। और उसका कहना भी है कि यदा यदा है, जब जब ऐसा टाइम होता है तब मैं आता हूँ। तो जरूर है कहाँ से आता है ना, कोई ठिकाने से आता है। अगर यहाँ बैठा हुआ होता ओमनी प्रेजेंट तो आता क्यों कहता? आता और जाता उसी चीज के लिए कहने में आता है। जहाँ न है तो भी कहने में आता आता। अगर ओमनी प्रेजेंट है तो फिर आता बात बनती नहीं है। तो ये भी समझने की बात है नी। उसने भी कहा है कि यदा यदा धर्मस्य गिलानिर भवति भारत, तब तब मैं आता। आता का है ना, तो आता हूँ। तो जरूर है कि आकर करके तो आएंगे, तो जरूर कोई और ठिकाने का रहवासी है जहाँ से आते हैं। और हम सब और ठिकाने के रहवासी हैं। हम कहाँ के रहवासी हैं? निराकारी दुनिया के हम आत्माएं, आत्माओं का स्थान, अपना निवास स्थान निराकारी दुनिया, जिसको अंग्रेजी में इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड कहेंगे। तो उसकी माना वर्ल्ड में खाली ऐसा नहीं है कि एक ही परमात्मा रहता है। अगर एक रहता तो फिर वर्ल्ड क्यों कहते? वर्ल्ड है माना उसमें बहुत रहते हैं। वर्ल्ड शब्द आता ही तभी है। अभी यहाँ देखो बहुत मनुष्य है तो इनको कहा जाता है मनुष्यों की वर्ल्ड या दुनिया। एक आदमी होता फिर उसको दुनिया कहते? दुनिया तो नहीं है ना, दुनिया भाई बहुत है तो उसको भी वर्ल्ड कहते हैं। इनकॉर्पोरियल भी वर्ल्ड है, निराकारी भी दुनिया है। निराकारी एक नहीं है, निराकारी दुनिया है। तो कोई बहुत निराकारियों का रहने का स्थान है। तो बहुत निराकारी कौन है? आत्माएं। तो ये भी समझना है। इसीलिए हमारा भी ठिकाना उधर का ही है, लेकिन हम इधर पाठ बजाने आते हैं तो हम अनेक जन्मों में चल पड़ते हैं। वो आता है तो उनको कोई जन्मों में चलने की नहीं, वो अपना कर्मों का शरीर नहीं लेते। हम सब आत्माएं अपना पाठ अपने संस्कार कर्म के हिसाब से लेते चलते हैं। और वो जो है उनका पाठ ऐसा है कि उनको टेम्पररी शरीर लेना है दूसरे का, अपना कोई कर्म कान है उनका। फिर ऐसा हिसाब ही ऐसा, उसका पार्ट समझो ऐसा है। टेम्पररी प्रवेश जिसको कहा जाता है वो प्रवेश होते हैं। इसी तरह से आकर करके शरीर का आधार लेकर के सो भी थोड़े टाइम के लिए उनको आकर के नॉलेज सुना। ऐसे नहीं बच्चे के शरीर में आवे जैसे समय छोटेपन भाई कृष्ण के छोटेपन में छोटा कैसा बैठ के सुनाएंगा? छोटा बैठ कर करके समझाने का शरीर भी तो जो अच्छा लगे नहीं समझाने में वो कहे बैठ करके। देखो आता है बेहद का बाप, वो बैठ कर करके बच्चों को समझाते हैं। अगर छोटे शरीर में आवे और कहे बच्चे ना, तो छोटा शरीर से बच्चा कहे तो शोभा भी नहीं दे। शोभावे वो कहे बच्चे मैं आया हुआ हूँ, अब चलना है तुमको परम धाम में। तो छोटा बच्चा यहाँ बैठा उसमें अगर परमात्मा पर बच्चे तो कहने में शोभा भी आवे। तो कोई बुजुर्ग शरीर भी तो ठाऊ का हो ना, जैसे हर एक ड्रेस पहनते हो तो भाई जरा फिटिंग ठीक चाहिए ना।
तो उसके भी आत्मा के मुताबिक कोई फिट चाहिए ना शरीर, तो जरूर कोई ऐसा बुजुर्ग शरीर हो जिसमें बच्चा कहना और आकर कर करके वो जो हाँ हमारे साकार में भी हाँ पिता और टीचर और ये गुरु बनते तो हाँ कहने में भी उसको शोभा रहे और हाँ साकार में भी उसको हाँ मिलने में भैया बाप है, तो बाप तो बुजुर्ग होते है ना। हाँ बाकी छोटे शरीर में आए तो वो कहे हम बच्चे तो शोभा भी नहीं देवे है, इसीलिए उसको कहने का उसमें कैसे बनेगा, इसीलिए वो आते हैं बुजुर्ग शरीर में। तो ये सभी चीजें बैर कर करके बाप समझाते तो मैं भी आता हूँ और मुझे आने से ही काम कर, ऐसे नहीं है कि मैं छोटा पहले पालना लूँ ये करूँ पीछे बैर करके ज्ञान दूँ, ऐसे भी नहीं है। नहीं मैं आता हूँ और अपना काम चालू करता हूँ, मुझे आना ही काम के लिए, मुझे कोई तुम्हारे सदृश कोई माँ की या उनकी पालना थोड़ी लेनी है जो मैं पलूं बड़ा हूँ फिर घर के ज्ञान दूं, ये भी बात नहीं है। मुझे क्या पालना लेने की दरकार है, तुम मुझे क्या पालोगे, हाँ वो तो बात ही नहीं है ना। तो ऐसे भी नहीं है मुझे कोई पालना लेनी है या माँ का दूध लेना है या वो लेना है या कुछ मैं पल करके बड़ा हूँ, ऐसी बातों की तो ऐसी कोई बात ही नहीं है। मैं तो आता हूँ नॉलेज देने के लिए, तो नॉलेज देने के लिए तो बस मुझे टाइम पर आना है नॉलेज देना है और टाइम जब भी काम भी मेरा पूरा होता है मैं फिर चला जाता हूँ, ऐसे भी नहीं है मुझे बैठ ही जाना है। इसीलिए कहते हैं कि मैं आता ही उसी टाइम पर हूँ और तन भी ऐसा लेता हूँ जो सब बात देखो उसमें अनुभव एक्सपीरियंस सभी बातें समझाने के लिए तो जरा फिट चाहिए ना, जो समझाने में भी सभी बातें अच्छी लगे, वो कॉमन भी तुम लोग ड्रेस पहनते हो तो फिट पहनते हो, ठीक पहनते हो जरा लगे ठीक से, ऐसे तो नहीं ना सबकी देखो अपनी ड्रेसेस सबकी अपना रसम रवाज सबका पहनते हो ना अपने अपने रसम, तो वो भी अपनी रसम अनुसार पहनेगा ना। हाँ उसकी रसम कौन सी है, वो भी अपने रसम का शरीर लेता है, कौन सा लेता है वो बैठ के समझा दे, तो मैं भी तो अपनी ड्रेस लूंगा शरीर लूंगा अपने रसम का अपने काम के यहाँ करने लायक, तो बैठ के समझाते कि इसी तरीके से तो आता हूँ और आकर करके ये नॉलेज सुनाता हूँ और बैठ कर करके समझाता हूँ। तो उस आत्मा में भी क्यों आता हूँ वो भी बैठ करके समझाते हैं कि उन आत्मा का भी बहुत जन्मों का चक्कर लगाया हुआ है। कौन सा, आप लोगों ने एक चित्र देखा होगा जिसमें दिखलाते हैं विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा निकला है, देखा है ऐसे चित्र, ये बहुत चित्र कॉमन है जो दिखलाते हैं। आजकल तो उनका भी बनाया था गांधी का, गांधी के नाभि से नेहरू निकला है ऐसा चित्र रखा था आजकल बनाए थे, तो गांधी वो विष्णु की तरह से लेटा पड़ा है उसके नाभि से नेहरू को निकाला था, तो आजकल ऐसे बना पर तो असल है विष्णु का, विष्णु और फिर विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा दिखलाती हैं। अभी इसका भी रहस्य है कि ये विष्णु सो ब्रह्मा, ब्रह्मा सो विष्णु, अब इनका ही देखो 84 जन्म, ये विष्णु लक्ष्मी नारायण कम्बाइंड है ना, तो देखो ये विष्णु लक्ष्मी नारायण कम्बाइंड, ये देखो बहुत जन्म हा? शुरू का था विष्णु सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी, फिर जन्म लेते 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 उसका लास्ट जन्म जो हुआ वो ब्रह्मा, फिर ब्रह्मा तो फिर विष्णु, तो अभी उनके ही 84 जन्मों का जो मनुष्य पहले हा? जिसका पहले पहले से जन्म हुआ ना उसी का ही फिर जो अंतिम जन्म है उसी में मैं आता हूँ, तो विष्णु का जो अंतिम जन्म है मैं उसमें आता हूँ, तो विष्णु का अंतिम जन्म कौन सा हुआ, ब्रह्मा, विष्णु सो ब्रह्मा, ब्रह्मा सो विष्णु, तो ये दिखलाया है। और इन्हीं के ही कारण का ये ब्रह्मा की रात ब्रह्मा का दिन ये गीता में है ना, अभी विष्णु का दिन या विष्णु की रात नहीं कहा, क्यों कि परमात्मा जब आता है तब आता है अंत में और वो आता है ब्रह्मा के शरीर में, इसीलिए ब्रह्मा की रात कहने में आएगी, क्योंकि उसकी रात पूरी कर करके जिसकी पूरी करता है और जिसका दिन चालू करता है तो उनका ही नाम आएगा ना, इसीलिए विष्णु का दिन विष्णु की रात नहीं परंतु ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात, क्योंकि उसमें आता है परमात्मा, वो उधर आकर के स्टेपलिंग लगाता है, विष्णु से स्टेपलिंग नहीं लगती है, स्टेपलिंग उधर से लगती है ब्रह्मा से, इसीलिए जहाँ से स्टेपलिंग लगती है तो वहाँ से बतलाएंगे ना उनकी रात और उनका दिन, जब पूरा होता है तब फिर मैं आकर कर करके रात के अंत में उनका रात का एंड और दिन का प्रारंभ करता हूँ। तो ये सारी चीजें समझने की हैं जो बैठ कर करके बाप समझाते हैं, तो मैं आऊंगा भी उसमें ना, इसीलिए मैं ब्रह्मा के तन में आता हूँ, दूसरे किसी के तन की बात ही नहीं रहती है, मैं आता हूँ वो वंशावली
बनाने के लिए, कौन सी? विष्णु वाली, यानी देवी देवताओं की, जो एक धर्म एक राज्य जब था संसार में, तो मैं वो देवी देवता धर्म स्थापन करने लिए आता हूँ ना। कहते तो है, गीता गाते गाने वाले बतलाते हैं पाठी जो गीता के, तो हाँ भाई भगवान आया जदा जदा धर्म से, जब अधर्म हुआ तब आया और धर्म स्थापन किया। पर तो किसी से अगर पूछा जाए कि भगवान ने कौन सा धर्म स्थापन किया, बता सकेंगे? ये विष्णु वंशावली अर्थात श्री लक्ष्मी श्री नारायण वंशावली, ये धर्म की स्थापना परमात्मा ने की, ये कोई नहीं जानता। उन्हें जैसे कोई से भी पूछे भाई क्राइस्ट ने कौन सा धर्म स्थापन किया, तो क्रिश्चियन लोग बता देंगे भाई क्राइस्ट के द्वारा ये क्रिश्चियन धर्म स्थापन हुआ। बुद्धिज्म वाले से भी अगर पूछे तो कहेंगे बुद्ध के द्वारा ये बुद्धिज्म धर्म स्थापन हुआ। मुसलमान भी बतला देंगे, हाँ सभी अपने अपने धर्म स्थापित के नाम से बताएंगे कि उन्हीं के इनके नाम से ये धर्म स्थापन हुआ है। लेकिन भारतवासियों से अगर पूछा जाए कि अपना धर्म, और स्वयं गीता के भगवान ने खुद कहा है, भगवान ने कि मैं जब जब धर्म होता है तब तब आता हूँ धर्म स्थापन करने के लिए, तो वो कौन सा धर्म, उसका नाम कौन सा है, बताए तो सही कोई? हाँ भारतवासियों को अपने धर्म के भी नाम का पता नहीं है। अगर सुनाते हैं तो कहेंगे हिंदू, किसी से भी पूछेंगे कहेंगे हमारा धर्म हिंदू है। अभी हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू तो हिंदुस्तान में रहने के कारण अपने को हिंदवासी या हिंदुस्तान में रहने वाले, इसीलिए अपने को हिंदू कहते हैं, परंतु हिंदू कोई धर्म तो नहीं ना। तो ये बातें देखो बाप बैठ के समझाते। अभी यूरोप में रहने वाले अपने को यूरोपियन कहते हैं, परंतु यूरोपियन कोई धर्म नहीं। उनसे अगर पूछेंगे वो कहेंगे हमारा धर्म, उसे पूछे तुम्हारा धर्म कौन सा है, नहीं कहेंगे यूरोपियन धर्म है, हा? वो तो यूरोप में रहते हैं इसीलिए यूरोपियन है। बाकी धर्म पूछेंगे तो क्राइस्ट के नाम पर कहेंगे क्रिश्चियन धर्म। हिंदू नाम जो है क्रिश्चियन लैंग्वेज में काफिरों को बोला जाता है, डिक्शनरी में देखा हुआ है, कोई धर्म नहीं है ना। नहीं ये सभी जब मुसलमान लोग आए थे ना तभी के बाद ये सब नाम पड़े हैं, क्योंकि वो उनको काफर और ये सभी बातें इनके जब झगड़े हुए थे तो ये तभी सभी नाम। परंतु वास्तव कर कर करके यहाँ कोई धर्म की तो बात ही नहीं है ना। तो वो ही बैठ कर करके बाप समझाते हैं कि ये तो यहाँ का नाम हो गया, यहाँ के रहने वाले, फिर किसने भी डाला, मुसलमान आए किसने भी मतलब पढ़ा तो यहाँ देशवासियों के ऊपर, यानी इस देश के ऊपर हिंदुस्तान नाम डाला, इसीलिए वो हिंदवासी कहने लगे। तो बाकी वो तो अपना कोई धर्म तो नहीं हुआ ना। तो इसीलिए बाप कहते अपना जो आदि सनातनी असलम भारतवासियों का धर्म है वो कोई जानता नहीं है, भारतवासी भी नहीं जानते, कोई जानते नहीं है। तो ये सभी चीजें बैठ कर करके बाप समझाते। तो हमारा असल आदि सनातनी धर्म था देवी देवता, ये विष्णु कहो देवी देवता लक्ष्मी नारायण, ये जो राजधानी सूर्यवंशी चंद्रवंशी चली है, हम असल देवी देवता थे। परंतु आज देवी देवताओं जैसे लक्षण नहीं रहे है ना, इसीलिए बेचारे कहे कैसे अपने को देवी देवता। तो देवी देवता कहने का वो क्वालिफिकेशन चाहिए ना, कहे देवी देवता और लड़ते झगड़ते मरते मारते रहते हैं और देवी देवताओं के लक्षण है, ये तो लक्षण ही नहीं है ना। परंतु तो असल ऐसी क्वालिफिकेशन वाले और इतने हमारे में बल था, ताकत थी, कभी हम अकाले नहीं मरते थे, कभी कोई रोग आदि नहीं होता था, ये सभी हमारे कर्म श्रेष्ठता का हमारे पास बल था। तो इसीलिए बाप कहते हैं मैं आता हूँ उसी में आऊंगा ना, हाँ जिसका बैठ कर करके वो पहला पहला जो उसी राजधानी का किंग, हाँ तो मैं आता हूँ तो उसके उसी ले कहा है कि विष्णु सो ब्रह्मा और ब्रह्मा फिर सो विष्णु, हम सो, हाँ विष्णु क्या कहेगा हम सो, और ब्रह्मा कहेगा हम सो, हाँ हम सो हम, तो ये है वो है एंड का जन्म, वो है शुरू का जन्म। इसीलिए परमात्मा एंड वाले जन्म में आएगा ना, चौरासवां। तो अभी विष्णु का चौरासवां जन्म कौन सा हुआ, वो नाभि से दिखलाते है ना, वो चौरासवां ये लास्ट ब्रह्मा, और फिर ब्रह्मा फिर जाकर कर करके विष्णु बनता था, श्री नारायण बनता है। तो ये चीज बैर कर करके बाप समझाते हैं कि ये इनके ही 84 जन्मों की, ये नाभि दिखलाते नहीं, एक के ही 84 जन्मों का चक्कर है। इसी चक्कर में सभी जो है और धर्मों का बायप्लॉट चलता है। जब इसके जन्म कुछ नीचे आते हैं, सूर्यवंशी चंद्रवंशी पूरे होते हैं, तो पीछे दूसरे धर्म मानो चालू होते हैं, पीछे सभी धर्म और इनका भी जब सब अंत होता है तभी फिर मैं आता हूँ, फिर इनके द्वारा आकर करके फिर नई दुनिया की सैपलिंग लगाता हूँ। तो ये भी जैसे झाड़ है ना, देखो ये, हाँ ये देखो गोल्ड एंड सिल्वर कॉपर ये सारा है, मानो ये नाभि है, हाँ ये है ब्रह्मा की सारी, विष्णु
सौ ब्रह्मा अंत में देखो ऊपर है ना, देखते हो ना ये विष्णु नीचे हाँ विष्णु सौ ब्रह्मा, अभी ब्रह्मा सौ पर विष्णु, वो है नाभि जैसे बैठा है और वो जैसे अंत में, तो ये भी है वो फॉर्म दूसरा है पिक्चर का, ये झाड़ के सूरत में है, तो ये विष्णु और विष्णु से नाभि से वो ब्रह्मा दिखलाते हैं। तो अभी उसका 84वां जन्म, अभी परमात्मा को आना है, आकर के नॉलेज देना है, तो कहाँ आएगा, इधर थोड़ी आएगा, ये तो इसको बनाना है ना, आएगा उधर, इसीलिए ब्रह्मा के तन में आते हैं और आकर कर करके उनको भी जगाते हैं, वो भी जो 84वें जन्म में पतित बना है उनको भी पावन बनाता है, उसके साथ उसकी वंशावली को भी पावन बनाते हैं, फिर वही वंशावली दूसरे जन्म में फिर जाकर करके ये विष्णु का अथवा देवी देवताओं का सूर्यवंशी राजे महाराजाओं का बनता है। तो विष्णु सो ब्रह्मा, ब्रह्मा सो विष्णु, अभी देखो सैपलिंग हो रही है ना, तो देखो ये ब्रह्मा इधर बैठा है ना, इधर भी बैठा है उधर भी है ना, तो देखो ये अभी ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, वो नाभि में दिखलाया है, ये इधर इसी फॉर्म में समझाया हुआ है। तो अभी क्यों आता है, क्योंकि इनका ही तो ये लॉस्ट जन्म है ना, ये मनुष्य सृष्टि के भी सारे इसी सभी बातों को समझने का, इसीलिए कहते हैं लॉस्ट सो फास्ट, इसीलिए जो लॉस्ट है बिल्कुल उसी के मैं लॉस्ट में आऊंगा। तो लॉस्ट मनुष्य सब में कौन है और फिर फास्ट मनुष्य सबसे कौन है, यानी पहला पहला आदमी या पहला पहला मनुष्य, तो सतयुग का पहला तो उनको रखेंगे, फिर लास्ट में तो इसमें, तो लास्ट में मैं आकर करके फिर सैपलिंग लगाता हूँ, जिसे फिर ये सभी बाकी बीच में ये बॉय प्लॉट्स है, ये सभी दूसरे धर्म जो है वो इनके बीच में आते हैं। देखो कॉपर एज आती है, शुरू होती है, देखो ये सभी कॉपर एज के बाद शुरू हुए है ना, देखो इसमें भी लगाया है ना, यहाँ नहीं है सिल्वर एज से नहीं डार निकले है, ये गोल्डन एज से नहीं निकले है, ये गोल्डन एंड सिल्वर इनका ही चला है देवी देवताओं का। फिर जब ये देव देवताओं का टाइम पूरा हुआ है, उनकी ताकत कम हो गई है, तब फिर दूसरे कुछ अपनी अपनी ताकत के कॉपर एज में आए हैं। जब मानो ब्रह्मा की रात शुरू हुई है, कॉपर एज से रात शुरू हुई ना, दो युग दिन के जब रात शुरू हुई अभी, तब मानो दूसरे आने लगे हैं, फिर उनका भी कुछ कुछ अपना अपना, उनकी भी देखो गोल्डन सिल्वर कॉपर एंड आयरन, हर एक का भी अपना अपना टाइम, पहले उनका फोर्स होता है, उनकी ताकत का अच्छा प्रभाव होता है, पीछे उनके भी प्रभाव कम पड़ते जाते हैं। अभी सब आयरन, देखो सब काले आयरन में है ना सब, अभी तो सब अभी आयरन एज है और उनकी भी आयरन एज है लास्ट, इसीलिए कहते हैं मैं इस आयरन एज वाले में आऊं या उसमें आऊं, किस में आऊं, क्योंकि इनको दार तो नहीं बनाना है ना, बनाना है फिर ये सैपलिंग, ये फाउंडेशन, इसीलिए मुझे फाउंडेशन वाले में आना पड़ता है। तो कई समझते नहीं कि क्यों नहीं, हाँ कोई क्रिश्चियन धर्म वाले में या कोई बुद्ध धर्म वाले में या कोई और धर्म वाले में, और मैं क्योंकि ये धर्म आते ही पीछे है, तो ये जो धर्म पीछे आते हैं तो इनको पीछे वाले धर्मों को तो स्थापन नहीं करना है ना, उनको करना वो पहले वाला, इसीलिए पहले वाले धर्म को स्थापन करने के लिए उनके पहले वाले में आना पड़ेगा ना सोल में। तो ये सभी हिसाब समझने का है, इसीलिए कहा है विष्णु सो ब्रह्मा और ब्रह्मा सो विष्णु, ये है चित्र। देखो ये चित्र कोई हमारा बनाया हुआ नहीं है, ब्रह्मा विष्णु का आपको बतलाया ना, वो दिखलाते हैं कमल के फूल से, और कहाँ दिखलाते भी हैं, वो लक्ष्मी बैठे बैठ कर करके चापी कर रही है हाँ और बैठी है, और वो उसके नाभि से वो निकला है, ऐसा ऐसा चित्र दिखलाती हैं। परंतु ये सभी चित्रकारों ने बैठ कर करके वो बाप पिता से हमें सुनाते हैं, हमने देखा था जब ये चित्र कि वो विष्णु को बैठ के लक्ष्मी चाहे, तो हमने कहा ये तो स्त्री जाति का अपमान है, तो मैंने चित्र वालों को कहा कि ये लक्ष्मी को काट के, जैसे फोटो से किसी को कटा आपने जैसे लक्ष्मी को निकाल दिया था ना, तो कहते थे उसको, हमने कहा उसको काट के खाली विष्णु रख दियो, क्योंकि विष्णु भगत था विष्णु का नहीं, बाबा भक्ति मार्ग में बहुत भगत किसका होता नहीं, जैसा किसका कृष्ण में प्रेम किसका राम में प्रेम, तो बाबा को विष्णु में बड़ा प्रेम था, जब भगत था तो बहुत उसका पूजन करता था, तो उसने को चित्र विष्णु का बड़ा अच्छा लगा, लेकिन लक्ष्मी दासी बन के बैठी है वो अच्छा नहीं लगा, तो कहा इस लक्ष्मी को निकाल दो, उसको मुक्त कर दियो, खाली हमको विष्णु का फोटा बना के दियो, फिर उसका पूजन करता था। तो क्यों वो भगत विष्णु का था, विष्णु का भगत, देखो अभी पता उसको उसी समय तो था ही नहीं कि मैं ही विष्णु हूँ, हाँ मैं विष्णु था, अभी मैं ही अंतिम जन्म में आया हूँ, तो भक्ति कर गए, जो बहुत गिरा आप ही पूजे आप ही पुजारी, देखो बना ना, तो उनका बहुत पूजन करता था। और बाबा अपना हिस्ट्री में सुनाते हैं, मैं जाता था अपने दुकान पर, ट्रेन में होता था,
काम को दूसरी जगह जाना पड़ता तो ट्रेन में भी उसका चित्र वो पॉकेट में रहता था, घड़ी घड़ी देखता था, घड़ी घड़ी देखता था, घड़ी घड़ी ऐसा जैसा उसे चित्र कोई पागल देखता है ना वैसा, इतना प्रेम था उसमें। पर ये तो पता ही नहीं था कि ये मैं हूँ, मेरे ही जन्म का कुछ ये है, वो तो पता ही नहीं था, इतना प्रेम था। तो असल पॉकेट में रखता था, बहुत विष्णु के चित्र बनाए एक तकिए के नीचे, रात को सोए तो देख के सोए, जब भी खटिया पर आए तो एक खटिया पर रखा हुआ होता, एक पॉकेट में रखा हुआ होता, एक दुकान पर रखा हुआ होता, तो जहाँ जहाँ वो विष्णु का चित्र, तो जिधर जाए तो वो विष्णु ही विष्णु देखे के भगत था। तो ये सभी चीजें बैर कर करके बाप अभी समझाती है कि देखो अभी वो बाप बैर कर करके निराकार परमात्मा समझाते कि ये तू था, लेकिन अभी यहाँ बहुत जन्म लेते 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 अभी तुम्हारा ये लास्ट जन्म है, तो लास्ट जन्म तो कोई दूसरा होगा ना, वो इसीलिए कहते उसका नाम था पहले था लकीराज। हाँ, पीछे जब मैंने आकर करके ज्ञान दिया, एडॉप्ट किया नहीं उसको, अपना बनाया, तो मैंने उसका नाम रखा है ब्रह्मा। ब्रह्मा अभी नाम पर है, नहीं तो वैसे तो साधारण जैसे किसका कुछ नाम है तो उनको लकीराज कहते थे। तो ये सभी बातें बैठ कर करके बाप समझाते हैं कि ये सभी बातें मैं आता हूँ इसीलिए उनके, क्योंकि ये वही आत्मा है जो अपने जन्म लेती 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 अभी अपना 84 जन्म 84वां जन्म, तो उसी में आकर करके फिर मैं सैपलिंग लगा रहा हूँ, फिर वही विष्णु अथवा सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज के अधिकारी। तो ये है अपना भारत का जो प्राचीन अपना धर्म था, और हम जिस धर्म वाले थे वो अभी सैपलिंग बाप लगा, इसीलिए कहते अभी जो दूसरे धर्म है उनका अभी एंड। और दूसरे धर्म वाले भी मानते हैं, मुसलमान भी मानते हैं कि हमारी 14वीं सदी में क्यामत होंगी, उनका भी अभी हिसाब पूरा होता है, उनका 1382 या 83 कुछ ऐसा है अभी टाइम, उसके भी बाकी 15-16 बरस हिसाब है। और क्रिश्चियन भी कहते हैं हमारी सीग्रीगेशन 2000 बरस की है। हम जब गए थे हॉस्पिटल में तो एक नर्स थी बड़ी, वो कुछ धर्मी नॉलेज को अच्छा जानती थी, तो उसने भी हमारे से भी बात करी, हमने कहा आपका क्या कितना एज है इसका क्रिश्चियनिटी का, कहा 2000 वर्ष। मैंने कहा अभी तो 1964 है, तो अभी तो आपके बाकी थोड़े बरस हैं। कहा हाँ अभी सीग्रीगेशन होगा उनका। हाँ, तो मानते हैं कि हमारे इस क्रिश्चियनिटी की अभी 2000 वर्ष की आयु है, उसमें अभी उसी समय 1964 था, अभी तो 65, तो उसने कहा बस अभी ये बाकी थोड़े बरस है। मैंने कहा चलो फिर आपकी क्रिश्चियनिटी का एंड, तो फिर क्या होगा वो, कहा वो तो गॉड जाने गॉड नोज उन बेचारे तो बहुत तो नहीं बता सकी ना, लेकिन गॉड नोज, जो गॉड जानता है वो अभी बतलाते हैं कि क्या खबर है। हाँ, अब मैं बतलाता हूँ कि क्रिश्चियनिटी की भी सीग्रीगेशन और मुसलमानों की भी क्या मत, और हिंदू भी तो परलय मानते हैं ना, तो हिंदू धर्म की भी अभी परलय हाँ उनकी, फिर वही देवी देवता आदि सनातनी धर्म जो एक धर्म और एक राज्य अभी उनका अपना चलने का है। तो वो बैठ करके बाप समझाते हैं कि अभी सभी धर्मों का फ्रेंड होकर के इसीलिए डिस्ट्रक्शन की तैयारियां हैं, कि इसी में ये सब इतनी संख्या इतने धर्म कैसे नष्ट होंगे, तो उसके लिए भारी कोई डिस्ट्रक्शन चाहिए ना, बात भी कोई भारी चाहिए, इसीलिए उसकी ये सब तैयारियां हैं, जिसमें इतनी मनुष्य सृष्टि की ये संख्या अभी देखो 500-550 करोड़ की संख्या ये भी नष्ट होनी चाहिए ना, कैसे हो उसका कोई तरीका भी अच्छा चाहिए ना, तो अच्छा भी खाली एटॉमिक बॉम्ब से भी काम नहीं, कुछ नेचुरल कैलामिटीज भी काम करेंगी, इसलिए बाप कहते हैं मेरी नेचुरल कैलामिटीज भी हाँ अभी काम करेंगी, वो भी अभी अच्छी तरह से अपना फोर्स में, और ये बॉम्ब के आज जरिए कुछ सिविल वॉर के जरिए इसी तरीकों से ये सभी मनुष्य सृष्टि की संख्या का इन धर्मों का अभी नष्ट होकर के फिर ये अभी, और साथ साथ फिर सैपलिंग भी लगा रहा हूँ, क्योंकि सैपलिंग भी साथ साथ इन डिस्ट्रक्शन के टाइम पर ही तो चाहिए, ऐसे तो नहीं हो जाएगा पीछे सैपलिंग लगाऊंगा नहीं, उसके साथ क्योंकि ये अनादि सृष्टि है ना, तो सैपलिंग साथ ही चाहिए, पुराने में ही नहीं लगाने की सैपलिंग चाहिए, इसीलिए कहते हैं मैं पुराने में अति पुराने के टाइम पर आता हूँ और ये सैपलिंग लगाता हूँ, तो सैपलिंग का भी काम चल रहा है, उधर डिस्ट्रक्शन की भी तैयारियां हो रही है, अभी डिस्ट्रक्शन भी होगा और सैपलिंग का काम भी पूरा, और सैपलिंग मजबूत हो जाएंगी तो डिस्ट्रक्शन, इसलिए गीता में भी है कि ये विनाश ज्वाला मेरे इस यज्ञ के बल से ये विनाश ज्वाला प्रज्वलित होती जाएंगी, जितना जितना हम ताकत में आते जाएंगे ज्ञान और योग के, उतना उतना उसकी पावर से ये विनाश ज्वाला भी, क्योंकि उनको डिस्ट्रक्शन करना है ना, तो उसी से फिर ये दुनिया का अंत होकर के फिर ये नई दुनिया। तो ये सभी चीजें
बैठ कर करके बाप समझाते हैं कि बच्चे अभी ये टाइम वो है, इसीलिए अभी इसी टाइम में अपना इंडिविजुअली क्या करने का है, ये तो गॉड का प्लान। और गॉड बैठ कर करके समझाते हैं कि मेरा प्लान क्या है और मैं किस तरह से इस प्लान को एक्ट में लाता हूँ, उसमें हर एक को इंडिविजुअली अभी क्या करना है, वो इंडिविजुअली तो बैठ के समझाते हैं कि तुम भी अपने में सैपलिंग नई दुनिया की लगाओ, अर्थात अपने को प्योर बनाओ। प्योर दुनिया के लिए तो प्योर चाहिए ना, प्योरिटी को अपनाएंगे तभी प्योर दुनिया में आएंगे, प्योरिटी नहीं अपनाएंगे तो प्योर दुनिया में कैसे आएंगे, इम्प्योर थोड़ी प्योर दुनिया में आएगा। नहीं, दुनिया कोई दूसरी नहीं है, यही दुनिया लेकिन चेंज में आती है, तो अपने में ही चेंज लानी है ना, बाकी कोई दुनिया और नहीं, दुनिया ये लेकिन दुनिया बदलती है, तो बदलती है तो अपने इंडिविजुअल पहले अपने को बदलना है, कैसे बदलना है वो बदलना बैठ कर करके सिखाते हैं। तो अभी देखो हम बदल रहे हैं ना, हम पहले बदल रहे हैं, हमारे बदलने से फिर दुनिया बदलेगी। तो अभी कैसे बदलते हो, बदलते जा रहे हो ना, चेंज मालूम होती है कि हम चेंज होते जा रहे हैं, चेंज में कोई बॉडी चेंज नहीं होगी, हा सोल, हाँ इम्प्यूरिफाइड सोल से प्यूरिफिकेशन में सोल को आना है, तो प्यूरिफाइड सोल बनता है, तो अभी हम प्यूरिफाइड बनते जाते हैं। तो ये है हमारी चेंज, संस्कार को चेंज है, जैसा जैसा संस्कार वैसा वैसा जन्म मिलता है, तो हमको जन्म किसी आधार पर मिलता है, संस्कारों के आधार से, तो जैसे संस्कार, तो अभी हम पहले संस्कार बना रहे हैं ना, अपना आत्मा संस्कार को लेती है बनाती है, फिर वो संस्कार का जाकर करके जैसा होता है वैसा जन्म मिलता है, तो हमको अभी अपने आत्मा के संस्कारों को बदलना है, तो अभी बदल रहे हैं, हम बदले रहे हैं, दुनिया बदलेगी जरूर, इसीलिए परमात्मा अभी बाप कहते हैं अभी बदलो, हाँ अपने को चेंज करो, तो अभी चेंज करना, अब चेंज भी चेंज, हाँ थोड़ा चेंज नहीं है, थोड़ा चेंज तो फिर थोड़ी थोड़े चेंज के थोड़ा बीच में आएंगे और क्या, चंद्रवंशी में फिर कम कम कला में आएंगे, नहीं तो चंद्रवंशी के भी लास्ट में आएंगे, फिर जल्दी पुरानी दुनिया में जाना होगा, इसीलिए कहते जितना जितना अपने को कम्प्लीट बनाएंगे तो कम्प्लीट आएंगे, पहली पहली न्यू वर्ल्ड नए घर में, अर्थात जब पूरा सुख है तभी आएंगे, तो अभी कंप्लीट चेंज, तो ये है कंप्लीट चेंज में फायदा है, आएंगे भी नई दुनिया में और फिर हमको जाने में भी डंडे नहीं खाने पड़ेंगे धर्मराज के, हा? नहीं तो फिर हमको अंत में इसी सभी जन्मों का फिर अपना भोगना पड़ेगा सजाएं, जैसे स्वप्न में देखो कई स्वप्न आते हैं ना, फिर बहुत दुख महसूस होता है, समझते आदमी पता कोई मर गया या हमको किसी ने कष्ट दिया, उसी समय है तो स्वप्न पर तू भासता तो है ना, तो इसी तरह से तो हमको भी भले शरीर तो अभी लेना नहीं है, अभी शरीरों की तो एंड है, क्योंकि अभी तो डिस्ट्रक्शन है, तो इस डिस्ट्रक्शन में शरीर को नाश होना है, लेकिन आत्मा के कर्मों का हिसाब को नाश करने का कौन सा तरीका, तो वो फिर सजाओं के द्वारा, तो वो बैठ कर करके बाप सजाए अंदर पीरा, आत्मा को पीरा रहेंगी, जितने जितने बुरे कर्म किए होंगे ना वो भोगेंगे, वो महसूस करेंगे कि मैं बहुत दुखी हूँ बहुत जितने जन्म, इसीलिए बाप कहते हैं उसी दुख के छूटने से ये तुमको अभी ज्ञान योग का बल देता हूँ, तो वो भी तुम्हारे पाप नष्ट हो जाए, तुम आत्मा धर्मराज की सजाएं भी न खाओ, तुमको वो पीरा भी भोगनी न पड़े, इसीलिए जाने के समय में भी तुम अच्छी तरह से यहाँ सुख से जाओ और आने के समय पर भी तुम सुख में आओ, इसीलिए ये तुम्हारा जाना और आने का रास्ता साफ करता हूँ, तो ये साफ करना चाहिए ना आने और जाने के रास्ते को, तो अभी जाना और आना साफ रास्ते से चाहिए, वो बैठ कर करके बाप समझे, नहीं तो कहते सजाएं खाते जाएंगे, फिर उसी से साफ होना सजाओं से वो बहुत कड़ी है, ये अभी का दुख शरीर का भोगना वो और भी कुछ सुख का, क्योंकि अभी ज्ञान है ना, कुछ दुख होता है तो कहते भाई कर्म भोग है इतनी उसकी पीड़ा नहीं है, परंतु वो सजाओं की पीड़ा बहुत कड़ी है, इसीलिए बाप कहते बच्चे अभी उसका ख्याल रखने का है, तो इसी सभी बातों को बैठ कर करके बाप समझाते हैं कि इन्हीं सभी सजाओं से छूटना है और फिर आना भी इज्जत से है, ये कहते हैं विथ ऑनर पास होना, वो है डिसऑनर, हाँ सजाएं खाते जाना, तो डिसऑनर पास होना उसे क्या हुआ, सजाएं तो खाते जाएंगे ना भाई, सजाएं भी न खाएं और आए भी हम अच्छी स्टेज पर, तो ये तब होगा जब अभी इसी ज्ञान योग से हम अपने पापों को दगत करेंगे, तो ये है विथ ऑनर पास होना, तो विथ ऑनर जो जाएंगे वो अच्छी दुनिया में है, यानी पहले टाइम में आएंगे, और जो डिसऑनर से होंगे वो पीछे पीछे आएंगे, जाना तो देखो सबको है ना, राम गयो
रावण गयो कहते है जाके सबू बहु परिवार जाना तो सबको है, ऐसे नहीं हम भी कोई बैठे जाना है, लेकिन हर एक जाने जाने का अपना है ना। हम विथॉनर कोशिश कर रहे हैं विथॉनर पास हो जाए, और जो डिजॉनर्ड होकर के जाएंगे वो फिर डिजॉनर वर्ल्ड में आएंगे टाइम पर पीछे आएंगे, और जो विथॉनर जाएंगे वो ऑनरबुल आएंगे नीचे भी पीछे ऑनरबुल दुनिया में आएंगे, और वो टाइम अपना सुख का पास करेंगे। तो ये सारी चीजें हैं जिसको हमको समझना है, तो वर्ल्ड को भी समझना है, अपने लाइफ के जन्मों को भी समझना है, और उसी अनुसार अभी हमको क्या प्राप्त करना है इसी को जानकर करके उसी का पुरुषार्थ रखने का। तो ये सभी बातें हैं ना जिसको समझना है अच्छी तरह से। तो ज्ञान का मतलब ही है समझ। समझ का मतलब ये नहीं है खाली शास्त्र ग्रंथ वेद वैर कर करके समझ नहीं, हमको अपने अपना व्हाट एम आई, अपना नॉलेज, अपने रचता का नॉलेज, हमारे सभी जन्मों का नॉलेज, अभी उसमें जन्म अच्छे कौन से है उसका नॉलेज, अभी अच्छा वो कैसे बनाए उसका नॉलेज, इसको ज्ञान कहा जाता है। बाकी ऐसे नहीं हम विद्वान वेद पर कर करके विद्वान या शास्त्र पर कर करके शास्त्री बना तो ज्ञानी हो गया, नहीं। ज्ञानी मीन्स हमको इन चीजों का ज्ञान, और प्रैक्टिकल में उसी चीज को हम अपनाएं, इनको कहा जाता है ज्ञान। इसीलिए बात कहते हैं वो प्रैक्टिकल बनाना और प्रैक्टिकल चीज का नॉलेज मैं देता हूँ, इसीलिए ज्ञान का सागर भी मैं हूँ और फिर बनाता भी मैं आकर के हूँ। कैसे बनाता हूँ वो देखो, बन रहे हो ना प्रैक्टिकल, देखते जा रहे हो कैसे बनाता है, इसमें कोई क्वेश्चन पूछने की क्या बात रहती है, कैसे बनाता है भगवान ने दुनिया कैसे रची है? देख लो ना, तू रच के देख ले, अपने को रचना में ला के देख लो तो कैसे रची है, ऐसे रची। बाकी ऐसे नहीं कभी मनुष्य था ही नहीं जो बैठ करके बोता बनाया, अभी देखो ये बना रहे हैं ना, कैसा बना रहे है? आत्मा में भी प्यूरिटी फूक रहा है, तो देखो ये पंप कर रहा है ना इसी तरीके से। बाकी ऐसे नहीं हवा फूकी जैसे उसमें हवा फूकते है साइकिल में या मोटर में, वो हवा कोई ऐसी फूकने की तो नहीं है ना जो श्वास फूका बैठ कर करके, नहीं। ये ऐसे अभी देखो प्यूरिटी फूक रहे हैं, हमारे में प्यूरिटी धारणा का दे रहे हैं, उससे हम फिर प्यूरिटी में आकर करके फिर अपनी जनरेशन इसी तरह से पाते हैं। तो भगवान ने दुनिया कैसे रची वो अभी देखो, प्रैक्टिकल उसकी रचना में आकर करके देखो कि भगवान ने दुनिया कैसे रची। बाकी कैसे रची खाली पूछने वाले तो कोई कहेगा उसको ऐसा, पहला तो दुनिया एक गोला गोला थी लाल लाल आग का, कहीं समझाते कि पहले बंदर ही बंदर थे, फिर बंदर से मनुष्य हुआ फिर भगवान ने ऐसा रचा मनुष्य को कि बंदर से मनुष्य करा, वाह पहले बंदर अच्छे रहे तो पहले बंदर पीछे मनुष्य, वाह। नहीं बाप कहते ऐसी बातें ही नहीं है, ये मनुष्य अनादि है, ऐसे नहीं कहेंगे कभी मनुष्य थे ही नहीं। हाँ संख्या बहुत कभी थोड़ी है कभी बहुत होती है, इसका डिफरेंस पड़ता है, संख्या बढ़ती है घटती है इसका चेंज होता है, बाकी मनुष्य था ही नहीं ऐसी बात नहीं है, मनुष्य अनादि है। लेकिन उसमें फिर आकर करके न्यू मैन, हाँ कहते न्यू मैन बनाते हैं, तो जरूर ओल्ड मैन होगा उसमें न्यू मैन बनाएंगे ना। न्यू मैन का मतलब ही क्या, उसका मतलब ओल्ड है मैन है, मैन तो जरूर है ना, खाली ओल्ड है उसको न्यू बनाते हैं, तो न्यू मैन का मतलब, न्यू मैन का मतलब ये नहीं मैन ही नहीं है यानी मनुष्य ही नहीं है, नहीं। न्यू मैन का मतलब है कि ओल्ड यानी मनुष्य तमो प्रधान और दुखी हो गए हैं, उन्हीं को आकर करके न्यू मैन बनाते हैं, अर्थात उनमें नई लाइफ अथवा सुख का ये सब भरते हैं। वो कैसे भरते इसीलिए उसको क्रिएटर कहती है। तो ये सारी चीजों को समझना है, और इसी बात को बैठ करके बाप स्पष्ट रीति से समझाते, तो अभी समझते हो ना अच्छी तरह से कि परमात्मा कौन और परमात्मा ने दुनिया कैसे रची, उस दुनिया के पहले पहले मनुष्य कौन है हा? तो पहली रचना जो डायरेक्ट उसने रची उनको क्या कहेंगे, ब्राह्मण मुख वंशावली, जिससे बैठ के जिसको मुख से रचा, मुख से ऐसे नहीं मुख से ऐसे आदमी निकल आएंगे, हम ऐसे मुख से थोड़ी निकल आए हैं सारे के सारे हा? नहीं, हम मुख के द्वारा जो नॉलेज सुनाया है उसी नॉलेज से हम देखो प्रगट हुए, यानी उसी समझ से ज्ञान से हम प्यूरिफाइड बने हैं, तो हम हो गए उसकी मुख वंशावली। पर तू कहीं बिचारे वो ब्राह्मण जो है नहीं ब्राह्मण लोग उसे कहेंगे कि हाँ ब्रह्मा की वंशावली है, हम ब्रह्मा के मुख वंशावली, बड़ा नशा है उनको, पूछेंगे तो कहेंगे ऐसा, परंतु कहेंगे मुख वंशावली कैसे रची वो पता थोड़ी है, वो बेचारे कुछ बता नहीं सकेंगे। लेकिन नहीं, वो तो एक जात का नाम रख दिया, नहीं तो असल में
अभी प्रैक्टिकल में ये हम ब्राह्मण अथवा ब्राह्मणिया ये है प्रजापिता ब्रह्मा, इसीलिए इसको कहा नहीं प्रजापिता, यानी इसी मनुष्य द्वारा बैठ कर करके ये नए मनुष्यों की रचना का करते। वो परमात्मा तो निराकार है ना, निराकार भी रचेगा तो मनुष्य सृष्टि रहता है तो मनुष्य के थ्रू करेगा ना, तो थ्रू ब्रह्मा बैठ कर करके ये देखो रचना रचाती है। इसी तरीके से बैठ कर करके हम ब्राह्मणों को फिर सो देवता, तो ब्रह्मा सो विष्णु, तो हम भी ब्राह्मण सो देवता, विष्णु वंश में आएंगे ना, विष्णु कुल में आ देवी देवता पद पाएंगे, तो ब्रह्मा सो विष्णु, हम भी फिर आ ब्राह्मण सो देवता। इसी तरीके से फिर देवी देवता पद को पाकर करके फिर रहेंगे, सदा सुख पाएंगे। तो अभी ऐसे लायक बनना है और अपना ऐसा पुरुषार्थ करना है। तो अभी यहाँ कहते हैं नहीं कि परमात्मा ही ये सब जानी जाननहार, कहते हैं परमात्मा जानी जाना, तो जो जानी जाननहार है वही तो सभी हमको जान पहचान सुनाएंगे ना। जानी जाननहार का मतलब कहीं ऐसे समझते हैं वो जानते हैं अभी सांगना के अंदर क्या चल रहा है, बेकरी याद है या दुकान याद है या क्या, वो रीड करे, वो थॉट रीडर थोड़े ही है, वो थॉट खाली बैठ के थोड़े रीड करेगा, नहीं उसे क्या, ऐसे तो थॉट रीडर्स बहुत है, थॉट रीड करते इसके अंदर क्या थॉट है, वो एक नॉलेज है विद्या है जो वो भी सीखते हैं फिर वो थॉट रीड कर सकते हैं, ऐसे बहुत है। परंतु वो कोई थॉट रीडर का गॉड की जो महिमा है, तो इसका नंबर थॉट चोर है अंदर, उसको चोरी का ख्याल चल रहा है, मैं अब ये जाऊंगा ऐसा चोरी करूंगा ये करूं चल, तो क्या है उसमें अगर कोई इसने जाना, भगवान जानता है कि इसके अंदर में ये चल रहा है तो इसे फायदा क्या हुआ, तो क्या चोर तो चोरी कर लेता है, जानते भी वो कर रहा है ना, खूनी खून कर रहा है, और फिर उसके जानने से वो जानता है, वो जानता है ऐसे मुफ्त का, वो भी जानता रहे और चोर चोरी करते रहे तो फायदा ही क्या हुआ, उसके जानने का तो कोई महत्व नहीं हुआ ना, नहीं उसके जानने में से कोई महत्वता का कर्तव्य हुआ हो तभी तो कहे भाई वो जानी जाननहार है। वो बात उसी पर है कि नहीं वो हमारे सारी कर्म गति को जानता है कि तुम कहाँ थे ऊंचा और कहाँ से गिरे हो, वो हमारे इसी कर्म गति को जानता है, वो बैठ के समझाता है और फिर हमको ऊंचा बनाता है, इसीलिए उसको कहते हैं वो जानी जाननहार है। देखो हमारे ऊंची स्टेज को जानता है ना, तो अभी कहते हैं तुम कैसे फिर उसी ऊंची स्टेज पर चढ़ो, तो हमको देखो अभी चढ़ा रहा है, तो हमारे को कुछ ऊंचा उठाया है तभी तो उसका नाम है, बाकी हम चोरी करते रहे हम पाप करते रहे तो उसने जानता है तो अपने घर में रखे जानता हुआ हमारा क्या फायदा हुआ, हमको कुछ फायदा दिया हुआ होता तब तो हम उसकी महिमा करें ना, तो हम उसकी महिमा करते हैं इसी आधार पर कि वो हमारे गिरावट और हमारे चढ़ावट दोनों को जानता है, इसीलिए अभी आकर करके हमको चढ़ाता है, हमारे कर्मों को श्रेष्ठ बनाता है, इसीलिए उसने यहाँ बैठ कर करके हमको ऊंच उठाया है, तभी हम उससे कहते हैं कि देखो ये हमारे जानने वाला है, तब हम महिमा करते तू जानी जाननहार है, तू ऐसा है तू ऐसा है तू ऐसा है, किसकी भी स्तुति करते हैं कभी कुछ उसने किया है तभी ना, पर तो खाली स्तुति नहीं करने का, बाप कहते हैं अभी स्तुति करते करते हाँ पता नहीं है खाली स्तुति करते हो ना, उससे क्या हुआ, अभी देखो पता भी पड़ता है और फिर अभी प्रैक्टिकल में आओ, तो प्रैक्टिकल में जो तुम एक्शंस में आएंगे उससे मेरा शो करेंगे, तो बच्चे है तो बच्चों का काम है प्रैक्टिकल में बाप का शो करना, कहते नहीं सन शोस फादर स्टूडेंट शोस मास्टर, हाँ तो अभी बाप कहते हैं कि अभी मेरा शो करो अपनी पढ़ाई से और अपना फॉलो करो फादर को अच्छी तरह, तो उससे मेरा शो करें भाई बच्चा किसका है, हाँ कोई बच्चा अच्छा काम करता है तो कहते हैं इसका ये किसका बच्चा है, एक बच्चा ऐसा है तो बाप क्या होगा, ऑटोमेटिक बाप की शो हो जाती नहीं, तो स्तुति हो गई ना, तो कहते हैं मेरी स्तुति ऐसे करो प्रैक्टिकल से, बाकी ऐसे नहीं खाली तू ऐसा मैं पापी तू ऐसा मैं पापी मैं नीच मैं कपटी मैं दास फलाना फलाना, अपने को नीचे करना और उसको खाली ऊंची महिमा ही कहना, उससे क्या हुआ। अज्ञान में भी अगर कोई बच्चा हो ना कहे कि हाँ बाबा मेरा बाप बहुत अच्छा है मैं तो बहुत हाँ सुनी हूँ डाकू हूँ ऐसा हाँ, तो बाप के सामने बैठ कर करके बाप की खाली स्तुति करे और अपनी ऐसे करे तो बाप कहे जो नालायक बच्चा तू मेरी यहाँ इज्जत गमाते हो, नहीं कहेगा हाँ, तो कहेगा एकदम, तो बाप भी कहते तू खाली मेरी हाँ ऐसे ही स्तुति करते हो इसे क्या हुआ, ऐसी स्तुति से फायदा ही क्या, तू प्रैक्टिकल में अपने एक्शन को सुधार और प्रैक्टिकल में एक्टिविटी को ठीक कर, तो उससे फिर
मेरी स्थिति आप ही होगी, तुमको करने की दरकार नहीं है। तुम्हारे एक्टिविटी से सब कहेंगे कि हाँ भाई ये किसने पढ़ाया इसको, इसे किसका बच्चा है, ये कौन है, इसको किसने सिखाया, तो उसे अपने आप होगा। खाली कहने की क्या बात है। तो ये सभी बैठ कर करके प्रैक्टिकल में बाप अभिया समझाते हैं और कहते हैं कि अभी प्रैक्टिकल अपने में ऐसी चेंज ले आओ तो उससे फिर दुनिया भी चेंज रहेगी। समझा, अभी इस बातों को समझते हो ना अच्छी तरह से। अच्छा, अभी आज संडे है कुछ। अच्छा अच्छा हाँ, इसको बेचारे को टोली दे दो। तो ऐसा बाप हा? जो बेहद का बाप है वो बैठ कर करके अभी हमको ये नॉलेज दे रहा है। तो ऐसे बाप से ऐसी नॉलेज को धारण कर करके और अपने को हम भी तो देखो मास्टर नॉलेजफुल, वो हमारे फादर है नॉलेजफुल, हम मास्टर नॉलेजफुल। मास्टर बच्चे को कहा जाता है, तो हम है मास्टर नॉलेजफुल, तो हम भी कोई कम थोड़े ही है। हमको भी अभी बाप ने बैठ करके जो नॉलेज है उसे हमारी आंख खुल गई है, तो हम भी अभी मास्टर नॉलेजफुल बने हैं। और फिर बने हैं तो फिर हमको भी फिर अभी उसी ज्ञान से अपना पूरा अधिकार पाने का है और पाकर करके सदा सुख को प्राप्त करना है। हम अपने सुख के लिए ही तो करते हैं ना। सुख कहाँ से होता है, कैसे होगा, किस बातों से दुख है, मनुष्य बेचारे जानते नहीं है। काली दुख होता है तो दुखी होकर के रोता है, हाँ, या चिल्लाता है, या हे भगवान, हाँ, ऐसा ऐसा पुकारता है। ये बेचारे जानते नहीं है इतना कि हे भगवान खाली कहने से तो कुछ नहीं है ना। दुख कहाँ से हुआ, किस बात से हुआ, उसका ज्ञान होना चाहिए ना। अभी देखो अपने पास रोशनी है कि ये पांच विकार हैं, विकारों के कारण हमारे कर्म जो है बुरे हुए हैं और बुराई के कारण हमारा दुख बना है। अभी दुख हमको होता है जब रोग होता है, कोई अकाले मरता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, निर्धनता होती है, ये सभी बातें हमको दुख देती हैं। अभी ये हमारी दुख की बातें बनी कहाँ से, हम निर्धनी कहाँ से बने, यहाँ तो हमारे में रोग कहाँ से आया, किसने बनाया रोग, भगवान ने बनाया नहीं, ये हमने अपने बुरे कर्मों में बनाया। तो अभी हमको नॉलेज होना चाहिए कि हम बुरे कर्म न करें जिससे हमारा रोग बने। तो रोग बनाने वाला अथवा निर्धनी अपने को बनाने वाला, अकाले मृत्यु में आने वाला, हम अपने को, आप अपने को बनाया, ये भगवान ने नहीं दिया है। वो कहीं समझते भगवान ने, रोग भी भगवान ने दिया, ये सब भगवान करते हैं, तो भगवान के ऊपर दोष है। भगवान कहते मैं बच्चों को दुखी थोड़ी करूंगा, हा? मैं कहते लौकिक बाप भी होता है ना, कभी बच्चों को दुख देने का ख्याल नहीं करते। आप पिता हो, आप अपने बच्चों को कभी दुख देने का सोचते हो, हाँ मैं ऐसा दुख दूंगा, ऐसा करूंगा, कभी ख्याल करते हो, कभी नहीं। जब आप लौकिक पिता भी नहीं करते हो तो वो तो परलौकिक पिता है, उसके तो महिमा ही करते हो कि तू सदा सुखदाता, तू दुख हरता, सुख करता, महिमा करते हो ना। ऐसे थोड़ी कहते हे भगवान तू दुख करता, तू सुख करता, कभी महिमा करते हो ऐसे, कभी नहीं करते हो। आप उसको कहते हो दुख हरता, हरने वाला है तभी तो दुख में उसको याद करते हो ना। अगर दुख देने वाला हो तो याद क्यों करते हो, तो नहीं कहा तुम दिन आया अभी देखना, हा? ऐसे कहा ना, जो दुख देता है तो उसे ऐसा करना होता है ना। ऐसा थोड़ी कि दुख देता हो तो उसको कहे हाँ तू दुख हरता, नहीं नहीं, दुख हमने अपने भूल से अपने विकारों वश होकर करके और बनाया। इसीलिए बाप कहते हैं अभी इन सभी बातों को समझ करके इस विकारों का संग छोड़ो तो फिर तुम्हारे दुख छूट जाएंगे। समझा? तो अभी उसी से कैसे छूटे, उसका उपाय क्या है, वो आकर करके बाप इसीलिए कहते तू छुराने वाला दुख हरता, क्योंकि इसकी तरकीब तुम बतलाते हो, तुम्हारे पास उसकी तरकीब है, हम तो फंस गए। अभी यहाँ अभी हमसे हम छूटे कैसे, वो तरकीब तुम ही जाते, गॉड नोस, इसीलिए कहते तुम जानते हो, उसकी सच्ची सच्ची बात तुम बतलाएंगे। कहते गॉड इज ट्रुथ, भाई तुम उसकी सच्ची बातें क्या है वो यथार्थ तुम बतलाएंगे, अभी बताओ तो हम छूटे इससे, इसीलिए हम याद करते हैं उसको। तो अभी बाप आया है, बतलाते हैं कि किस तरह से तुम इस दुखों से छूटो और अपने को सुखी बनाओ, वो बेहतर करके समझा रहे। तो अभी बनना चाहिए ना, सीखना चाहिए और सदा सुख पाना चाहिए। समझा? आती है कुछ समझ में बातें? अच्छा, अभी बहुत समझदार बनते जाते हो ना, हाँ, तो अभी समझदार, हम समझदार बाप के बच्चे समझदार बनते। तो समझदार खाली ऐसा नहीं समझदार बने हैं, पर तो समझदार के ऊपर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हाँ? जितने बच्चे बड़े होते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है सिर पे, तो अभी रिस्पॉन्सिबल रहना है। कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो हम बने हैं तो फिर दूसरों को भी बनाना है और
ऐसे ना बंद करके फिर कोई उसे भूल होती है ना तो उसके ऊपर और नैल है। समझदार कोई बुरा काम करता है ना तो कहते अरे तुम इतना आदमी अच्छा समझदार तुमने ऐसा काम किया तो उसके ऊपर और ही नैलत पड़ेगी। इसीलिए समझदार बनते हो तो कोई बुरी बात फिर करने की नहीं है, अगर करे तो फिर उसके ऊपर नैलत यानी उसकी सजा भारी हो जाए डबल हो जाएगी। पहले सिंगल थी अभी डबल होगी, इसलिए संभलना है। तो ऐसी सभी बातों को अच्छी तरह से समझते अब चलो। अच्छा ऐसा बाप और दादा, अभी देखा ना बाप दादा को समझते जाते हो ना अच्छी तरह से, तो बाप दादा और माँ की मीठे मीठे बहुत अच्छे समझदार बच्चों पर था यात्या और गुड मॉर्निंग। अच्छा अभी टोली दियो कौन देगा। अच्छा आज करुणा को टर नहीं मिलता है नी, संडे का ही मिलता है। हाँ जो करुणा खिलाओ बड़ी थाली है तो मेहनत उठाने का है। शिव बाबा को याद करते हो, पहले तो याद नहीं था भैया ये तो गजा लगाया थैंक्स क्या करनी है, कितनी थैंक्स करेंगे बताओ। अच्छा करो याद करो और याद करते देते जाओ और दृष्टि भी देते जाओ मानो याद कराते जाओ। हम ऐसे देखो अपना योग कैसा है, ऐसा अटेंशन जैसा कैसे कसो कहा जाते ना अटेंशन स्टडी हाँ और ड्रिल टीचर होते हैं तो अटेंशन अटेंशन कहाँ ऐसे नहीं अटेंशन हमारे में अटेंशन बुद्धि याद बाप की याद में अटेंशन तो अटेंशन तो ये भी अपना योग में बिठाते हैं अटेंशन खिंचवाने के लिए तो उसमें आंखें बंद करके बैठ रहे अटेंशन आंखें क्यों बंद करे अंदर थोड़ी कुछ देखने का है बंद नहीं खोला तो अपने सब कायदे हैं कभी उबासी नहीं देना कभी जो क्लास में कभी बैठे बैठे कोई उबासी देते है ना समझते हैं शायद पढ़ने में सुस्त है जो इस पढ़ने के चुस्त होते हैं ना वो कभी स्कूल में बच्चा जा उबासी देते रहे तो कहेंगे क्या सुस्त है इसको नहीं चुस्त तो ये पढ़ाई का है पढ़ाई में बड़े चुस्त रहना चाहिए और कभी झुटके नहीं और नींद के झुटके नहीं इसमें तो आंखें खुल जानी चाहिए पढ़ाई है नहीं नॉलेज है तो आंखें खुल जानी चाहिए उबासी भी नहीं ये भी नहीं ये भी सभी ऐसे जांच करता है बाबा आते नहीं हमारे पास मधुबन में आएंगे ना तो किसी ने उबासी दिया नहीं क्लास के समय कहेंगे तो कोई काम का नहीं है ये इसका कमाई का शौक नहीं है ये खाने वाला है खाई ताली है और कमाई कमाई करके नहीं जानते जो कमाई वाले हैं उसकी तो नींद खुल जाती है और सुस्ती वुस्ती चली जाती है ऐसा तो बतला देते है फिर आएंगे ना उधर तो फिर अच्छी तरह से सब मैनर्स और सब बातें ये रूहानी मैनर्स और ये सभी बातें अपने को ऊंची ऊंची उठाने की है और रॉयल मैनर्स रखने अभी हम बहुत रॉयल बनते हैं अभी बाप पढ़ाने वाला हमको बाप उसके हम किसके स्टूडेंट है कोई जैसे वैसे कॉमन टीचर के नहीं है हमारा टीचर वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी नॉलेजफुल गॉड हम कहते हैं तो उसके हम जब अभी स्टूडेंट्स हैं तो उसको कितना नशा होना चाहिए और उस पढ़ाई की स्टेटस कितनी ऊंची है तो ऐसी लेनी चाहिए ना। लियो दादी सबको दिया कोई भूला है कोई भूला हो तो हाथ उठाए क्यों उसमें हमको चने बड़े नहीं दिया दादी ने दादी के चने खलास हो गए दादी का देगरा थोड़ा बनाती है। अच्छा थोड़ा ले दे दादी दादी क्या हाल तेरा हुआ आज अपना ले आई है अभी ना 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 कब मैंने गुस्सा अभी इसको चने वाला देने वाला ले 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 कुछ तो हमें ज्यादा बनाना चाहिए याद के लिए हमें ज्यादा चीज हो फिर भी दिन है ना काम में आ जाएंगे पीछे बचेगा तो काम में आएगा भाई रात का है तो दूसरे दिन खाने में जरा हो जाती है दिन है बच्चा तो भी क्या हुआ फिर तो दूसरी बार खाना इसमें क्या है ज्यादा बना दिए बड़ी दिल करनी चाहिए छोटी दिल नहीं देखो हमको बड़ा बाप मिला है ना अच्छा नहीं बेचारी मैंने वो कहती छोटा देगरा बनाना सहज है बड़ा बड़ा बनाने में वो बड़ा करना पड़ना है घुमाना पड़ता है हमारे पास मधुबन में तो देखो
हमारे 450 इकट्ठे रहते थे, 450 का खाना इकट्ठा, तो उनके लिए कितना चराना पड़ता, चावल चराना पड़े तो देखो कितना, और 450 का चावल कितना बनेगा बताओ, और दाल चरानी पड़े कितना, तो इतने 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 तवा इतना होता है मानी रोटी पकाने का, जिसमें 10-10, 12-12 रोटी आए, हाँ फिर वो पकाए, फिर जल्दी जल्दी आए ऐसे, तो वो प्रैक्टिस है ना, इन बेचारों को बड़ी बड़ी थाव के बनाने की प्रैक्टिस नहीं है ना, तो छोटे थाव में 2 जनी बैठती है, खाना बनाने का प्रैक्टिस है, वो बड़े बड़े की नहीं तो थक जाती है, और बनाना है अपने हाथ से, लेके जाओ ना उधर है वो बीमार पड़ जाए। हार्ड वर्क करता हूँ, देखो हमारी एक ही भंडारी है, शुरू से चली आती है, हाँ बोली, हाँ आएंगे ना मधुबन दिखलाएंगे, यहाँ पहले हृदय थी, परंतु ये भी मददगार थी, बहुत समय से चली आई है, तो देखो चला अभी तक भी चलती रहती है, और इतनी इतनी देख बनाती है, उसका रोज का काम है, जैसे घर में शादी होती है ना, शादी में बड़े बड़े थाव में बनाए, तो हमारे पास रोज शादी, बाबा कहते हैं हमको बहुत कन्याएं और इतने सब से शादी करानी है ना शिव बाबा से, हाँ उसके साथ उसको सगाई, तो हमारे पास तो रोज शादी है, रोज सबकी सगाई कराते हैं शिव बाबा से, उससे अपना कनेक्शन तोड़ दिया है, वो उसका अच्छा ला बांधते हैं रोज, उसका अब बुद्धि लगाओ, बुद्धि बांधना उसे, बुद्धि बांधना या हाथ बांधना, कोई हाथ ऐसा नहीं बांध, उसको तो हाथ ही नहीं है ना, बांधना है बुद्धि, तो उसे बुद्धि बुद्धि का कनेक्शन जुटाना है, तो हम तो रोज शादियां करते हैं, बच्चों का बुद्धि लगाओ, हाँ बुद्धि लगाओ, बुद्धि बांधो, तो उसका अच्छा ला बांधते, हमारे पास रोज शादी है, तो रोज देवियां चढ़ती है जैसे, हाँ तो इसीलिए देखो अपना रोज शादिया, अभी ये सच्ची, इसमें से कभी प्रेम हमारा कोई दुख नहीं, शादी माना शाद माना, शादी माना दुख का थोड़ी, वो तो बेचारी जाती है शादी करते हैं तो विकारों में गिरते हैं, फिर उसको कहते हैं हनीमून, ये हनीमून है, हनीमून माना विकार में गिरना और पाप का भागी बनना, इसको थोड़ी हनीमून कहेंगे, हनीमून तो देखो वो देवताए थे जिनका सच सच पवित्रता के बल से संतान पैदा करते थे, उनकी संतान पवित्रता के बल से, जिसीलिए तो उनके पास कभी कोई दुख अकाल मृत्यु ये सब नहीं था, अभी तो है विकारों से ना, ये है ही भोग बल की दुनिया, वो है योग बल की दुनिया, पवित्र दुनिया, अच्छा खाओ।